हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम भरत सर फ्रॉम थामना एजुकेशन इंस्टीट्यूट। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 16 इन ईवीएस सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 4, अ बिजी मंथ। वी हैव सीन डिफिकल्ट वर्ड्स, वी हैव सीन अबाउट केजी भाई बदे का, वी हैव डिस्कस अबाउट द फ्यू पोर्शन ऑफ चैप्टर नंबर 16 एंड इन दिस वीडियो वी विल मूव टू द डिस्कस मोर अबाउट चैप्टर नंबर 16। वी हैव डिस्कस टिल कोयल के बारे में हमने जाना था, देन वी विल मूव फर्दर। देर इज अ स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांच। तो यहाँ पे गिजू भाई कह रहे हैं कि भाई एक छोटा सा ट्री है थोड़ी दूर पे नियर बाय में, और वहाँ पे क्या एक नेस्ट है, वो हैंग कर रहा है ना, लटक रहा है। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट, तो बर्ड्स है वो वंडरफुली डिफरेंट है, अलग अलग बर्ड्स है, साइज में फ़र्क है, उनके कलर में फ़र्क है, उनके बोलने में फ़र्क है ना। सो बर्ड्स आर डिफरेंट एंड ब्यूटीफुल। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, तो क्रो है वो अपना बर्ड अपना नेस्ट कहाँ पे बनाता है, अपना नेस्ट बनाता है ऊंची जगह पे, है ना, ट्री के सबसे ऊंची जगह पे, है ना, अपना नेस्ट बनाता है। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमोंग द थ्रोन ऑफ कैक्टस प्लांट्स और मेहंदी हेज, तो डव है वो कहाँ पे अपना नेस्ट बनाता है, कैक्टस के प्लांट है कांटे वाले, या फिर मेहंदी है, या फिर कहीं छत पर, है ना, कहीं सेफ जगह पे बनाता है। द स्पैरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर ओन हाउस, तो स्पैरो हमारे घर के आसपास क्या बनाता है, नेस्ट बनाती है ना स्पैरो। स्पैरो बिफोर फ्यू ईयर, है ना, 15-20 साल पहले जब माटी के घर हुआ करते थे ना, मिट्टी के, तो स्पैरो है वो जनरली हमारे घर में देखी जाती थी, मिट्टी के घर में नेस्ट बनाती थी, बट अभी पक्के घर हो गए तो स्पैरो बहुत कम दिखाई देती है हमारे घर में नेस्ट बनाने को। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर, ऑन टॉप ऑफ कबर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन अ लैच, तो कहीं पे भी कबर्ड पे, या फिर मिरर के आसपास, या फिर कहीं पे ऊंची जगह पे, है ना, वो अपना नेस्ट बना लेती है हमारे घर में, है ना, कौन, स्पैरो। तो भाई यहाँ पे हमने देखा कि क्रो कहाँ पे, एकदम हाई पे, है ना, ऊंची जगह पे, ट्री में सबसे ऊंची ब्रांच पे अपना नेस्ट बनाता है। देन द डव है वो थ्रोन वाली जगह पे, या फिर मेहंदी में अपना नेस्ट बनाती है। एंड द जो स्पैरो है वो हमारे घर में, है ना, या फिर हमारे घर के आसपास कहीं पे भी नेस्ट बना लेती है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। डव ऑल्सो मेक देयर नेस्ट लाइक दिस, है ना, डव ऑल्सो हम नेस्ट बनाती है, कहीं कुछ बार घर पे भी बना लेती है ना हमारे। ऑफन दे मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डिजर्टेड बिल्डिंग, और जो डव है वो कहाँ पे, एक तो डिजर्टेड बिल्डिंग होती है या फिर ओल्ड होती है, बहुत पुरानी, कोई रहता नहीं है वहाँ, वो ऐसी जगह पे नेस्ट बनाना पसंद करती है। द बारबेट और कॉपर स्मिथ बर्ड्स कैन बी हर्ड इन समर विद अ टक 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 कॉल्ड, है ना, जो बारबेट है और कॉपर स्मिथ है, देखो सीधा पिक्चर ऑफ बारबेट और कॉपर स्मिथ जो बर्ड्स है, वो समर में हमें टक टक आवाज़ सुनाई देती है लकड़ी में से, या फिर कोई पेड़ पे टक टक आवाज़ सुनाई देती है, तो वो कौन करता है, बारबेट और कॉपर स्मिथ, है ना। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक, तो ये क्या करती है, ट्री ट्रंक होती है उस पे होल करती है और वहाँ पे अपना नेस्ट बनाती है। सी इट इज़ अ वेरी हार्डफुल एंड पेनफुल प्रोसेस, टक टक करके बहुत टाइम लगता है, उसके बाद नेस्ट प्रिपेयर होता है। एंड द टेलर बर्ड यूज इट्स शार्प बीक एंड स्विच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बस्ट, इट lays its eggs in a fold of the leaf and
इट हैड मेड, दिस इज इट्स नेस्ट। तो अब टेलर बर्ड कैसे अपना नेस्ट बनाती, देखो दो पेज है बड़े बड़े, उसको उसने स्विंग कर लिया, उसको जैसे हम क्या करते हैं सुई धागे से सीते हैं ना, वैसे ही टेलर बर्ड है ना, दर्जी डो जिसको हम बोलते हैं, वो तो पेज है बड़े बड़े, दो पत्ते हैं, उसको सी लेती है और उसमें समथिंग दैट लाइक अ वूल एंड सॉफ्ट मटेरियल उसमें डाल के अंडे देती है। हियर यू कैन फाइंड द टेलर बर्ड मेकिंग द नेस्ट। द सन बर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बस। तो सन बर्ड है ना, वो क्या करती है, जो हैंगिंग होती है ना ब्रांच होती है उससे हैंग करके उसको लटक के अपना नेस्ट बनाती है। द सेम इवनिंग वी सॉ सन बर्ड्स नेस्ट, और सेम इवनिंग जब वो डिस्कशन कर रहे थे तभी उन्होंने सनबर्ड का नेस्ट देखा था, अभी उन्होंने देखा कभी हैंगिंग कर रही है ना, हैंग कर रहा है जो ब्रांच पे नेस्ट, तो किसका नेस्ट था वो सनबर्ड का। कैन यू गेस्ट व्हाट इज नेस्ट इज मेड ऑफ, क्या आप गेस कर सकते हो कि वो नेस्ट है वो कैसे बना होगा। द नेस्ट हैज हेयर ग्रास थिन ट्विग्स ड्राई लीव्स कॉटन वूल बीट्स ऑफ ट्री बार्क्स piece of cloth rags and even spider's cobweb। तो क्या क्या कितनी सारी चीज़ें हैं, देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके सनबर्ड ने उसका नेस्ट बनाया है। एक तो ग्रास है, हेयर है, ट्विक्स है, देन द ड्राई लीव्स है, कॉटन वूल है, बीट्स ऑफ ट्री बैंक ट्री बार्क है ना, ट्री के बाग छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, देन पीसीस ऑफ क्लोथ रैग्स एंड इवन स्पाइडर कॉबवेब होती है उसको भी यूज़ करके इसने क्या बनाया है, अपना नेस्ट बनाया है। सी द बर्ड्स हाउ दे मेक द नेस्ट विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। व्हेन आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर आई कुड सी द चिक इन द नेस्ट। जब उन्होंने बाइनोक्यूलर से देखा है ना, दूरबीन से बाइनोक्यूलर से, तो क्या हुआ उनको उसमें चिक छोटे छोटे बच्चे नजर आए हैं ना, बेबी बर्ड्स। इट वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग इन द नेस्ट, वो ओपनिंग था नेस्ट का, वहाँ पे बैठे हुए थे यानी गेट पे दरवाजे पे। इट वॉज वेटिंग फॉर द मदर टू ब्रिंग सम फूड, और वो वेट कर रहे थे कि उसकी मदर कुछ लेके आए उनके लिए खाना है ना। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप, अब छोटे बर्ड है तो क्या करेगी, वो खाएगी और सोएंगे यार, यही काम है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है हमारे के लिए, डू यू नो अबाउट द वीवर्स बर्ड है ना, वीवर बर्ड दर्जीडा के बारे में आप जानते हो। यस वीवर इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, दर्जीडो इज अ टेलर बर्ड है। द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुल वोवन नेस्ट, तो इसमें मेल बर्ड होता है ना, जो वीवर मेल वीवर होता है वो क्या करता है, वो नेस्ट बनाता है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट सी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइडेड इन विच टू ले हर एग्स। तो यहाँ पे मेल का काम होता है, वीवर बर्ड होते उसमें मेल बर्ड जो होता है वो क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है, और फीमेल होती है वो चूज़ करती है कि भाई कौन सा नेस्ट अच्छा है उसमें वो अंडे देगी है ना। तो इट इज़ अ न्यू अबाउट द बर्ड्स, लेट अस सी द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेस्ट ऑफ अ बर्ड्स विच हैव वी गॉन थ्रू, लेट अस सी सो यू हैव अ बेटर आइडिया एंड बेटर कॉन्सेप्ट। सी द डव, डव दैट मेड द नेस्ट एट द हाई at the same area, see the nest of robin जो पत्थर के बीच में होता है ना, robin bird indian robin, nest of crow कौवे का जो nest है वो, और उसके chicks भी आप देख सकते हो। see the nest of
Which bird is this? It is a barbet or a copper smith, है ना, जो लकड़ी के अंदर, डाल के अंदर, है ना, ब्रांच के अंदर टक टक करके उसको तोड़ के उसके अंदर खड्डा बनाता है और वहाँ पे अपना नेस्ट बनाता है. See the bird of, you can find image that here is a bird named weaver bird and the nest they made, how they made the nest. This is a sun bird or sun bird ka nest aap dekh sakte ho, how they use whatever material they got and they made a nest. Again here is a weaver bird nest, how beautiful they made the nest. See, it is hanged on the branch and here you can find the outer cat. See, this is the tailor bird's nest. Tailor bird जो अपने nest बनाते हैं, how beautifully they sew. यहाँ पर देखो कितने अच्छे से उसको सिलाई किया है ना, एकदम जैसे perfect किसी दर्जी ने किया हो ऐसा. इसके लिए उसको टेलर बोलते हैं ना, टेलर बर्ड उसका नाम रखा गया है. और गुजराती में भी हम कहते हैं दर्जीड़ो, लाइक दैट. सो इफ वी हैव सीन द डिफरेंट नेस्ट ऑफ डिफरेंट बर्ड्स विच वी हैव गॉन थ्रू इन दिस चैप्टर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज. ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डे, सारे बर्ड इन दिनों में बहुत बिजी है. मेकिंग अ नेस्ट एंड लाइंग द एग्स इन ओनली द फर्स्ट स्टेप. तो भाई नेस्ट बनाना और अंडे देना ये सब फर्स्ट स्टेप है ना. क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारी है जो पेरेंट्स बर्ड को निभानी पड़ती है. इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क टू राइज द यंग वन इन द नेस्ट विच हैज़ बीन मेड विथ सो मच एफर्ट. तो बच्चों को बड़ा करना है ना, जो बर्ड्स होते हैं उसके बच्चों को बड़ा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है ना, क्योंकि उन्होंने नेस्ट इतनी मेहनत से बनाया है, उनको सेफ रखना है फ्रॉम द अदर एनिमल. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज, ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू. तो बर्ड्स के बहुत सारे एनिमी हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीन, हम भी उनके दुश्मन हैं, हम भी नुकसान पहुंचा देते हैं ना कभी कभी बर्ड्स के नेस्ट को, बर्ड्स के अंडे को. एंड अदर एनिमल्स टू, और दूसरे एनिमल्स भी हैं, क्रोस एंड स्क्विरल, कैट एंड रैट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर द चांस टू स्टील द एग्स. तो ये सारे क्रोस है, स्क्विरल है, कैट है, रैट्स है, इवन अ स्नैक ऑल्सो ट्राइज टू स्टील देयर एग्स. मैनी टाइम्स दे इवन अ ब्रेक द नेस्ट, और बहुत टाइम है ना, बहुत सारी टाइम ऐसा होता है कि वो अपने जो बर्ड के नेस्ट भी तोड़ देते हैं, है ना. टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच एन एग एंड राइज द chicks safely, all these are tests for every bird. तो अपने आप को सुरक्षित रखना खतरों से, खाना ढूंढना, फिर एक तो नेस्ट बनाना वो बहुत सारे एफर्ट से बहुत सारे टाइम पे बनता है, फिर अंडे हैच करना, अंडे देना, हैच करना, एंड वो chicks है उनको सेफली बड़े करना, है ना. वो एक टेस्ट जैसा है ना, टेस्ट एक परीक्षा जैसा है बर्ड्स के लिए, सारे बर्ड्स के लिए. हाउएवर द बर्ड्स स्टिल सिंग्स विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. तो भी बर्ड्स क्या करते हैं, एकदम फ्रीली सिंग करते हैं, गाना गाते हैं और अपने पंख फैला के आकाश में उड़ते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सलाम. तो ये अभी के लिए इतना था, और कह रहे गिजू भाई सलाम, ब्लेसिंग फ्रॉम योर गिजू भाई, गिजू भाई के आशीर्वाद है आपके लिए. सो डियर स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट बर्ड, डिफरेंट नेस्टेस, हाउ दे मेड एफर्ट टू मेक दिस नेस्टेस,
and all about this. So in this video we conclude our discussion, stop our discussion here. In next video we will see more about chapter number 16. Thank you.